अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की अहम खबर। कुछ दिन कबल हमने आपको एक खबर दिखाई थी, नाज़रीन के होटल में कुछ गुंडे तलवार और हथियार लेकर आवाम को डरा रहे थे, आवाम को भगा रहे थे और होटल वालों पर जुल्म सितम कर रहे थे। बहरहाल पुलिस ने इनको आज अपनी हिरासत में ले लिया। काला पत्थर पीएस लिमिट और फलकनुमा पीएस लिमिट में ये लोग हल्ला मचाए थे और आवाम को परेशान किया था। पुलिस ने इनको आज अपनी हिरासत में लेते हुए और साथ ही साथ इनके साथ में जो हथियार थे उन हथियार को भी अब जब्त कर लिया और इन गुंडों को अपनी हिरासत में ले लिया। आइए दिखाते हैं ये खास खबर।1/5/2019 के दिन रात में 8:30 बजे एक 5 ऑफेंडर्स शराब पी के नशा करके वो लोग वहाँ से आज कुछ करना है, हंगामा करना है बोले के प्लान करके अपने अड्डे से निकल के कारों को डैमेज कर लेते हुए, दुकाना बंद कर लेते हुए, ये तलवारा अपने हाथ में लेते हुए लोगों को डराते हुए जहाँ देखिए वहाँ हमला कर लेते हुए 2 गाड़ियों पे निकल के बहादुरपुरे के साइड से काला पत्थर पुलिस स्टेशन एरिया में आए, वहाँ से फिर हमारे एरिया में आए। हमारे एरिया में भी वो लोग क्या है राइटिंग करें, जिसकी वजह से सेक्शन 147 और राइटिंग विथ डेंजरस वेपन्स करने की वजह से सेक्शन 148 और ऑटो वालों पे लोगों पे तलवारा दिखाते हुए हमला करें स्वास्थ्य को 307 और सब मिलकर जो बैठ के कॉन्स्पिरेसी करें उसकी वजह से 120B और जैसे लोग तलवार वगैरह इस्तेमाल करें उसमें आर्म्स एक्ट में लोग को बुक करके हम लोग केस रजिस्टर कर लेके ये लोग के वास्ते ढूंढ रहे थे। एक SI गोकरी के साथ एक टीम थी, SI रमेश के साथ एक टीम थी और अपने कांस्टेबल्स स्पेशली कांस्टेबल शंकर, कांस्टेबल वेंकटेश, कांस्टेबल सतीश, इम्तियाज़ अहमद ये लोग ज़बरदस्त एफर्ट करके इन 5 ऑफेंडर्स को क्या बोलते हैं अरेस्ट कर लिए। आज क्या बोलते हैं MJ फंक्शन हॉल के पास अरेस्ट करके लेके आए ये लोग को, क्या बोलते हैं आज हम लोग रिमांड कर रहे हैं। इसमें से A1 का नाम मोहम्मद इस्माइल है, क्योंकि बिजनेसमैन है, 34 इयर्स का है और फलकनुमा का ही रहने वाला है। A2 क्या मिर्ज़ा खदीर बेग है, जो कि ये इस्माइल का ड्राइवर है और क्या बोलते हैं ये भी फलकनुमा एरिया में रहने वाला है। तीसरा इमरान है, इमरान काला पत्थर का है। फिर ग़ुलाम मुस्तफ़ा एक है, ये बहादुरपुरे का है। एक मोहम्मद हुसैन है, ये भी काला पत्थर का है। इसमें से एक और 2 ऑफेंडर्स भी इसमें थे, जो कि एक सिमलॉन मिल के रोडी शूटर था जो कामाटीपुरा में सरेंडर हुआ। एक इब्राहिम बल्कि एक ऑफेंडर था जो क्या बोलते काला पत्थर में सरेंडर हुआ। तो इसमें से क्या है, इससे पहले इस्माइल के ऊपर 2002 में एक मर्डर केस था इस्माइल के ऊपर और मिर्ज़ा खदीर बेग के ऊपर एक 2011 में आर्म्स एक्ट काला पत्थर में, और जो इमरान जो है वो नॉन स्नैचर है, इससे पहले 2 स्नैचिंग के केसेस भी इमरान के ऊपर रजिस्टर हुए। तो ये लोगों सबको आज हम लोग रिमांड कर रहे हैं। उनका इंटेंशन क्या था? 138/19 में केस हुआ था हमारे पास, जिसमें इस्माइल एक गाड़ी जला दे रहे थे। तो गाड़ी जला रहे थे तो हम लोग जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, हम लोग विथ एविडेंस मिलते इस्माइल को हम लोग ले के आए, उसमें केस रजिस्टर कर दिए। तो इस्माइल का ड्राइवर खदीर और उसके ये दोस्त हैं पूरे, सो मिलके बैठ के प्लान करके हमारे लीडर को अरेस्ट कर दिए। तो हम कुछ हंगामा करना ज़रूरी है बोलके लोग सब मिलके। सर इसका जो वायलेंस जो कुछ नहीं है, ये लोग एक्सट्रैक्शन वगैरह ऐसा कुछ मांगे क्या ये लोग? है हमारे एरिया में नहीं हुआ, लेकिन ये लोग ऐसे कामों में इन्वॉल्व थे और ऐसे काम आसान होने के लिए ही ये हंगामा करे, मतलब एक खौफ एक डर सोसाइटी में पैदा करने के लिए, और जो इनको पैसे देने वाले हैं आसानी से पैसे देना बोल के ये हथकंडा अपनाया। गाड़ी किसकी चलाई थी जी? गाड़ी किसकी चलाई थी? इरशाद की चलाई। सब ये इरशाद का क्या पहलू है? आपस में दुश्मनी है, आपसी दुश्मनी थी और जैसे ही क्या बोलते इसमें ये 435 में अपने को थोड़ा एविडेंस दिया इरशाद, तो
अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569992891